तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और आज हम लोग बात करने जाएंगे हमारी लेजेंडरी टीम जो कि है पाकिस्तान। ठीक है, तो अभी बहुत सारे वहां से फनी फनी न्यूज निकल के आ रहा है जो कि उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान से अभी एक फनी न्यूज, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एक फनी न्यूज निकल के आ रहा है। जब इन्होंने कलकत्ता में लैंडिंग किया तो इन्होंने बहुत ही बड़ी कांड कर दी। ठीक है, ये कांड अधिकतर ओयो में लोग जाते हैं वो करते हैं, मगर इनसे एक्सपेक्ट नहीं था। हमको तो लगता है सारी टीम खेलने आई है, यही एक टीम है जो अपने देश के लिए खाना खा के यहाँ से जाने के लिए आई है कि वहां पे एक दिन कम खाना पड़े, क्योंकि उससे एक दिन उनको किसी और को खाना मिल जाएगा। तो ये टीम बस इसीलिए आई है, बाकी इनका करनी धरनी कुछ नहीं है। तो कल का एक न्यूज आया है कि इन्होंने होटल में एंट्री लेते हुए इन्होंने होटल के खाना को मना करके इन्होंने बोला कि मैं बाहर से खाऊंगा। समझ रहे हैं कितनी बड़ी टीम आई हमारे देश में? इतनी बड़ी टीम हमारे देश में आ सकती है? इतनी बड़ी टीम लाने के लिए हमको तो प्राइवेट जेट भेजना। अब मैं तो बोलूंगा इनके जाते समय ना, हमारे कलकत्ता में एक अरसलान बिरयानी है, उनसे भी 10 पेटी 20 पेटी पैक करवा के इनके बस में डाल के इनको पाकिस्तान लैंड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक टीम के बारे में एक चीज सोच रहा था कि चलिए पाकिस्तानी टीम नहीं है, बांग्लादेशी भी आए हैं और ऑस्ट्रेलिया भी आया है, मतलब अलग 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 देश, श्रीलंका भी आया है, मैं यही टीम यूनिक यूनिक काम क्यों करती है? मतलब होटल का खाना इन्होंने मना करके सीधा बोल रहे हैं नहीं भाई हमको बाहर का खाना, ऊपर से इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। जिंदगी में तो इन्होंने पहले बार ऑनलाइन देखा होगा, ये तो टेंशन में आ गए भाई ऑनलाइन होता कैसे है। ठीक है, कैसे कि इनका एक रिपोर्टर भी है वो भी घूम घूम के यूपीआई दिखा रहा है कि हाँ भारत में यूपीआई चलता है। वैसे ही पाकिस्तान टीम सोच में पड़ गया होगा कि अरे भाई ये तो ऑनलाइन ऑर्डर होता है यहाँ पे, ये होता कैसे है? इन्होंने खाना हम बता रहे हैं, बिरयानी तो अलग सीन है, इनको ये भी देखना होगा कि अरे ऑनलाइन ऑर्डर करने पर खाना आता कैसे है। ठीक है, थोड़ा अभी क्या है कि इनके देश का सिचुएशन ऐसा हिला हुआ है, इनको सैलरी थोड़ा मिला नहीं है। ठीक है, तो कहीं इनको लगा होगा कि होटल में खाना खाएंगे तो पैसा मांग ले सर, आ पैसा मांग ले तो पैसा तो नील बट्टा तो सन्नाटा है इनका भी सैलरी का। कल का डेट में तो इनका ये आया है, क्या बोलते हैं, इनका एग्रीमेंट आया है, साइन करके भेजेंगे तो इनको पैसा आएगा। तो इन्होंने सोचा होगा कि पैसा देने से अच्छा भाई बाहर से मंगवा लो बिरयानी 100-100 रुपये 200-200 रुपये का खा के रात में अपना सो जाएंगे। ठीक है, और वो छोड़िए न्यूज आ रहा, और भी फनी फनी न्यूज आ रहा है। एक न्यूज आया कि भाई 1.45 करोड़ कैश मिल गया भाई बिरयानी का दुकान में। समझ रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने आते आते ऐसा ऐसा कांड फैला के रखा है हमारे देशों में कि आप भी देख के सोच में पड़ जाएंगे कि ये भुखर की टीम है या क्रिकेट टीम है, पहले तो ये हमें फिक्स करना होगा। ठीक है, हमको तो लगता है आईसीसी इसके लिए एक अलग इवेंट करा है पाकिस्तानियों के लिए कि इनको खाने का इवेंट करा है। हैदराबाद में गए तो हैदराबाद का बिरयानी ये वो 900। अरे भाई आप अपना फिटनेस पे ध्यान दीजिए ना, आपका वसीम अकरम बोल रहा है कि हाँ आप लोग 8 केजी चिकन खा के मैदान में उतर रहे हैं, आप लोग आते आते बिरयानी रात में खा के सुबह मैदान में, और फिर आपको विराट कोहली को बाबर आजम से कंपेयर करना, कैसे कंपेयर करेंगे? एक लॉजिक बनता है, वो इंसान डाइट पे इतना ध्यान देता है कि आपका सोच भी नहीं सकते। आप लोग तो मैच खेलने आते तो ऐसे खेलने आते ऐसे लगता सो के उठे हैं। ठीक है, वो तो आप जिम्बाब्वे से खेलते खेलते गलती से आप आईसीसी में नंबर वन पहुंच गए, नहीं तो हमारे विराट कोहली को अगर हम लोग आईसीसी में खिलाने लगे ना जिम्बाब्वे के खिलाफ तो अभी तक तो 100 सेंचुरी हो गया रहता। ठीक है, हमारी टीम और अपनी टीम को कंपेयर करें। ठीक है, मैं बहुत चीज देख रहा हूँ ना सोशल मीडिया पे अभी, मतलब अलग अलग न्यूज चल रहे हैं इनके, कोई इनके पाकिस्तानी क्रिकेटर आके कोई भी इनको बजाया जा रहा है। बाबर आजम का तो ऐसा हाल हो गया, मतलब वो नहीं होता है चलता फिरता, एक होता है घर घर में एक बच्चा होता है, लो दो लापर। अभी इन्होंने एक सबसे पहला काम तो इन्होंने बांग्लादेशी से आज मैच जीत लिया, नहीं तो आज ये लोग मैच हारते तो नागी डांस होना फिक्स था। ये तो वो अलग बात है, मोनी राय अभी कलकत्ता में है नहीं, अगर मोनी राय कलकत्ता में होती तो और दिक्कत हो जाता, बांग्लादेशी के सपोर्ट में पहुंच जाते अभी मैदान में, वो अलग डांस करने लगती। तो पाकिस्तानियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई लोग तुम लोग खाने आए हो कि खेलने? ठीक है, आईसीसी में एक लेटर डाल दो। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग ना परेशान हो गए तुमको बिरयानी खिला खिला के, वो अलग बात है, हम जानते हैं तुम्हारा भिखारियों का देश है, इसका मतलब ये नहीं कि अमीर देश में आते खाना स्टार्ट। ठीक है, कैसी अब हम लोग से नहीं होगा, तुम अब लोग अपना देश जाओ भाई, हम लोग को बख्शो। एक ऐसे ही तुम लोग बाहर होने वाले हो, जल्दी बाहर रुको, हम लोग जब मेहमान जाता है तो उसको
जाते जाते कुछ दे के जाते हैं हम लोग, दे देते हैं उसको, जाते जाते बोलना तुम लोग, हम लोग 10 KG बिरयानी पैक करवा देंगे, वहाँ भी खाना, ठीक है? बाकी आप भी पाकिस्तानियों के बिरयानी पे क्या राय है अपना राय जरूर रखें। बाकी जय हिंद, जय भारत।